दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर स्वैच्छिक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, कुल सचिव सुरेश चंद्र शर्मा, मुख्य नियंता प्रोफेसर गोपाल प्रसाद, कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर सुषमा पांडे, डॉक्टर मीतू सिंह, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह सहित अन्य शिक्षक और NSS के स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस दौरान कुलपति सहित अन्य शिक्षकों और छात्रों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के आसपास सफाई की तथा लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुलपति VK सिंह ने कहा, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बीएन सिंह का आगमन हो गया है, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि कृपया संविधान में अपना योगदान करें। हम सबको संतोषोदय की प्रार्थना महोदय, हम सबके लिए बहुत मंच की बात है। निश्चित रूप से स्वच्छ भारत सर और संविधान में अपना रूप उनकी प्रेरणा से हम कहा गए जो स्वयं का विषय है कि आज आपको संविधान हमारे मुखिया कुलपत जी, मैं आदमी कुलपत जी से ये निवेदन करूंगा कि आप तक हम सबको आदमी कुलपत जी हमारा हौसला अफजाई करें। दिया गया है जहाँ रहिए आपका सबका जीवन का मूल जो है मूल मूल हमारे हम लोगों का नारा है, क्योंकि इसके वजह से ही बीमारियाँ दूर रहती हैं। जहाँ गंदगी रहती है वहाँ सबसे बीमारियाँ आती हैं, और बीमारियों के बाद देखिए हमारे खर्चे होते हैं, मेडिकल के खर्चे होते हैं, वो बहुत कई गुना बढ़ जाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी अगर हम लोग ध्यान रखें अपने आप को स्वस्थ वातावरण को स्वस्थ रखें, इन्वायरमेंट रखें, तो हमारा देश जो है एक उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, गति से बढ़ता रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लोग पैदा करने के लिए इसमें पूरे देश में क्रांति आई हुई है, और खासकर युवा पीढ़ी उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। गोरखपुर के विश्वविद्यालय के जो NSS विंग के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, और वे गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, यहाँ के जो आचार्यगण हैं, यहाँ की फैकल्टी है, एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे समस्त जो विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, सब बढ़ चढ़ के विश्वविद्यालय परिसर एवं उसके आसपास के जगहों को सफाई करने में लगे हुए हैं। स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उससे जो है हम मेडिकली जो है फिट रहते हैं, बीमारियाँ दूर रहती हैं। और मेडिकली अगर फिट रहेंगे आप और बीमारी से शरीर आपके शरीर ग्रस्त तो आप अधिक ऊर्जा से अपना योगदान जीवन में दे पाएंगे। हम यहाँ से जुड़े हुए जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवी हैं, उन सबको हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ कि वह इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे और इस देश को, इस प्रदेश को, खासकर विद्यालय से जुड़े हुए क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान प्रदान।